नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक और स्प्लेंडर है और ये हीरो कंपनी की है और ये है 2013 मॉडल, ठीक है। और उसकी डिमांड भी 26,000 रुपये रखी गई है मेरी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी स्प्लेंडर वाली, तो उसमें भी जो 13 मॉडल थी उसका भी रेट 26,000 रुपये रखा गया था। बट मैंने आपको बताया था कि जब नेगोशिएट करोगे, जब लेने जाओगे, तो उसका रेट वैसे भी 22,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी काफ़ी अच्छी थी। इसकी भी काफ़ी अच्छी है, पर जो इसका मॉडल है, जैसे इसके जो पीछे वाली ग्रैब रेल होती है, इसमें स्टील वाली लगी हुई है सामान कैरी करने के लिए, और ये सेल्फ स्टार्ट भी नहीं है, तो ठीक है ना। तो अब इसे उन्होंने 26,000 रुपये रखा हुआ है, बट इसकी जो रेट होगी वो आई थिंक सो कि 20 के आसपास ही मिल जाएगी आपको, अगर आप अच्छी तरीके से नेगोशिएट करोगे तो, ठीक है ना। बाकी तो मोटरसाइकिल ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और चली कितनी 17,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी, ठीक है ना। और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, जो नॉर्मल स्प्लेंडर में होती है उसी कंडीशन की थी ये। कोई स्क्रैच वगैरह हल्का फुल्का तो लग ही जाता है, बट इसमें ये था नहीं, साफ़ सुथरा ही था। और टायर भी इसके अच्छे थे, साफ सुथरे थे। तो आप पहले मोटरसाइकिल को देख लीजिए, क्योंकि इस कंडीशन की जो स्प्लेंडर है वो मार्केट में जब भी आप लेने जाओगे, आपको तो मतलब एक आइडिया छोटा सा यही है कि स्प्लेंडर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, कि मतलब किसी भी आप किसी फ्रेंड से ले लें या फिर कहीं किसी डीलर से ले ले जाके, तो उसका साथ थोड़ा सा जो वैल्यू होती है स्प्लेंडर की थोड़ी ज़्यादा होती है, और किसी और मोटरसाइकिल के हिसाब से अगर आपने कोई और मोटरसाइकिल लेना हो तो। अगर आपने लेना ही स्प्लेंडर है तो उसमें आपको 1,000-2,000 रुपये वैसे ज़्यादा पे करना पड़ता है उसकी, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है ना, इसलिए। तो ये मोटरसाइकिल भी कंडीशन तो अच्छी है इसकी, बट इसकी जो दो चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ी लगा नहीं कि इसका रेट इतना ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन की, जिसमें ग्रैब रेल वो लोहे वाला ना हो, ये सिंपल सा स्टील वाला हो, और जो पावर स्टार्ट भी ना हो, ठीक है ना, सिंपल किक वाला हो, तो वो बाइक आपको 20,000 के आसपास ही मिल जाएगी, 20 और 21,000 के आसपास मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको कोई जाके 25,000 बोले चाहे 26,000 बोले, ठीक है ना। बाकी आप चला के देख लेना, कंडीशन खुद चेक कर लेना बाइक की, कि मतलब सही तरीके से काम कर रहा है नहीं करना, और ओवरऑल सब कुछ सारे पेपर वगैरह बाइक के चेक कर लेना कि हाँ, मतलब जिसके नाम पे है ओनर का, और जो भी इंश्योरेंस पोल्यूशन जो भी है वो आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना कि बाइक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपने ये वाली बाइक परचेज़ करनी है, तो मैं तो उन्होंने 26,000 बोला था, बट जब आप नेगोशिएट करोगे तो 20 के आसपास ही बात कर लेना उनसे, 20-21 के आसपास ही। तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लेना, अगर आप पटियाला में रहते हैं तो। बाकी अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो आप अपने सिटी की बाइक मार्केट में ट्राई कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस फिर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको कर देना लाइक, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। बाकी अपना ख्याल रखिए और लाइफ को करें एंजॉय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।